मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि खेलों से युवाओं में खेल भावना बढ़ती है, वहीं इससे युवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन में सरकारी स्कूलों की छात्राओं की राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर कही। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 12 जिलों की करीब 535 छात्राएं भाग ले रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिता समय समय पर होती रहनी चाहिए, इससे युवाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने का भरसक प्रयास कर रही है। संगठन और शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश ने उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की 64वीं राज्य स्तरीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का पहला चरण शुरू हुआ है, उसका सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। तो कल का भविष्य हमारे जो युवा बच्चे हैं बच्चियां, वो अगर इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो हम तो खुश होते हैं, सरकार भी खुश होती है। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल है ये, और सरकार की ओर से हमेशा ऐसी प्रतियोगिताओं को पूरा समर्थन मिला। मैं समझता हूँ जहाँ बौद्धिक विकास होता है बच्चों का, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन अच्छी बनती है, उसके साथ उनका इस प्रकार के स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भाग लेना, एक उनके व्यक्तित्व को निखारना और पूर्णता की ओर ले जाना है, कि बेटर बेटर सिटीजन। मैं समझता हूँ अगर इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ हों तो बच्चों में स्वतः ही एक कम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा होती है, एक ऐसी भावना पैदा होती है जिससे वो अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो जाते हैं वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि जो खेल जो है यही तो सिखाते हैं कि हाउ टू कोऑपरेट, हाउ टू असिस्ट, हाउ टू सॉर्ट ऑफ यू नो कंप्लीट योर मिशन। अगर एक दूसरे को पास देकर किसी भी खिलाड़ी का मनोबल बढ़ता है कि उसका एक बॉल सीधा गोल में जाता है, इसी प्रकार से जीवन में बच्चे अच्छी तरह से काम करेंगे, जिस भी किसी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ अपना योगदान अच्छी तरह से देंगे। मेरा मानना है ये एक बहुत बड़ी पहल है सरकार की जो किया जा रहा है, मैं इसे स्वागत भी करता हूँ और ऐसी प्रतियोगिताएँ होती रहें, क्योंकि आज के संदर्भ में जबकि बच्चे समाओ हमारे ड्रग मैनेज की तरफ, ड्रग एब्यूज की तरफ और ड्रग का जो गलत इस्तेमाल उनके हो रहा है बच्चों के ऊपर, जो भी कारण आप देख रहे हैं, उनसे दूर रखने का भी सबसे बड़ा माध्यम इस प्रकार की प्रतियोगिता है, इस प्रकार के कंपटीशन। मैं तो कहूँगा हर स्तर पर ही होने चाहिए, तो खैर स्टेट लेवल फंक्शन है, वेरी गुड, पर हर ब्लॉक पे, हर छोटे से छोटे पंचायत लेवल तक मैं समझता हूँ इन बच्चों के कंपटीशन होने चाहिए, और उनसे छन कर जो बच्चे आते हैं वो अच्छी राष्ट्रीय लेवल पर जाएं, हम उनको बाहर ही भेजेंगे। आई रिमेम्बर जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तो हिमाचल प्रदेश उसके लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।